क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का, निकाल लीजिए गाड़ी शर्मा एक्सरसाइज 8.2 क्लास 6। क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कर लो आयर पेपर में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखेंगे कहा जा रहा है कि a इंटू ए, क्वेश्चन बोलो a इंटू ए, आगे a, सारे बोलोगे a into a. कितनी टाइम्स है? चार बार a, 15 टाइम्स, 15 टाइम्स, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ ए ए ए इस तरह लिखा है और ये बढ़ता बढ़ता कितनी बार, 15 टाइम्स ए है। सर ए की पावर इसमें 15 भी हो सकती है ना? बिल्कुल। तो हम लोग इतना बार बार लिखने से बचने के लिए क्या करेंगे, ए और ए की पावर 15 लिख देंगे। अगर मान लो कि ए इंटू ए इंटू ए 23 टाइम्स हो रहा है, मान लीजिए कि हमको 23 टाइम्स ए लिखना है, तो 23 टाइम्स ए लिखेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे? तो उसके लिए क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए का पावर 23 बात करता, ऊपर केवल वही लिख दो जितनी बार उसको लिखना होता है। इजी है ना? क्वेश्चन सॉल्व, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ठीक है, ध्यान दो, इसमें एक दो क्वेश्चन और बता रहे, शांति बना रहे। एक क्वेश्चन है 5 into A into A into A into B into B into C into C into C, यही है ना? तो बेटे 5 के बाद A कितनी बार है? A 1 2 3, इसके ऊपर 3, उसके बाद B कितनी बार है? 2 बार, ऊपर पावर 2। C कितनी बार है? 3 बार, तो C का पावर 3। किसको समझ में नहीं आया? जनक का समझ में आया? क्या कुछ नहीं लगेगा? कुछ नहीं लिखे तो गुना ही तो है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, जो मैंने आपको सिखाया बस वही करना है आपको। मुंह बंद करिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 6 है, उसके बाद a 1 2 3 4, a का पावर 4, फिर 7 है, 7 ऐसे ही लिखना है 1 2 3, 7 का पावर 3, उसके बाद 9 है, 9 का 9 और c का पावर 3। बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट फॉर्म। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया था, अब प्रोडक्ट फॉर्म में करेंगे। क्वेश्चन है 8 का पावर 2 एंड b का पावर 5, 8 का पावर 2 एंड b का पावर 5 लिखा है ना हमने, तो अब इसमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो सॉरी प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म। अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना हो वो बीच में बोलेगा नहीं बस। क्यों आवाज आ रही है? प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो 8 कितने टाइम्स है? 8 के बाद a होगा ना, a है, सॉरी a, तो a इंटू a और b कितने टाइम? 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सब पता है। राइट डाउन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है हम लोग को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है 5xy into 3x2y square, इसको क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहां पर x हम देखते हैं, x के पहले 5 है, सॉरी एक सेकंड,
ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पहले जो नंबर है उसको हम देखेंगे, यही नंबर था ना, अलग था, ठीक। बेटे आप लोग हल्ला मत करो। तो बेटे 5 × 3 × 7 कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 7 = 105। अब x देखो यहाँ पर बेटे, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब एक काउंट कर लो। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x का पावर कितना है, 2। तो यहाँ 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। x का पावर 3। यहाँ पर y का पावर कितना है, कुछ नहीं मतलब है। यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं मतलब है। तो 1, 1, 2 और यहाँ पर 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। y का पावर 4। ये हो गया सॉल्व। नीचे आइए छोटे बच्चे, जगह है वहां, नहीं बेटा वहां जगह नहीं। यहाँ पे 5 है, पहले कांस्टेंट देखेंगे। तो यहाँ है 5, यहाँ है 3, यहाँ 7। नंबर केवल देखेंगे, 1, 2, 3, 4 जो नंबर होता है। तो 5, 3 और 7, तो 5, 3, 7 निकाल लिया। 5 × 3 = 15, 7 = 105। ठीक है निहांशु, जा बेटा। अब यहाँ x का पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ 2, तो 2 और 1 = 3 और आगे कहीं भी नहीं, x नहीं ना। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और कहीं नहीं, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। तो x का पावर 3 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 2 और 2 = 4, y का पावर 4। That's it, solve। आया समझ में? बिल्कुल। क्या 5 की पावर क्यों करेंगे, 5 को इधर मल्टीप्लाई किया ना लास्ट में, इधर तीनों नंबर को अलग किया, 105 मल्टीप्लाई करके। ओके यस सर, आ गया। ओके गुड, या क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, सॉरी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इज एक्स। नाउ मान लीजिए कि कोई जैसे ट्यूब होती है या जहां कल्चर किया जाता है, करने दे इसको इंग्लिश दे दे रीडिंग करने के लिए हिंदी। तो कोई भी कल्चर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक्स है, ठीक है। ओके अभी है, डोंट टॉक, इट बिकम्स स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ आफ्टर 1 वीक। आफ्टर 1 वीक, 1 वीक ये स्क्वायर हो जाता है। तो x था, तो x का स्क्वायर, x की पावर 2। व्हाट विल बी इट्स नंबर आफ्टर 2 वीक्स। तो आफ्टर 2 वीक्स क्या होगा, तो 1 वीक के पहले तो x स्क्वायर था, इसका डबल होगा, x स्क्वायर का डबल। तो x स्क्वायर का डबल का मतलब हो गया कि हम इसकी पावर, x स्क्वायर का पावर होल टू द पावर, होल टू द पावर स्क्वायर कर देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि x ये है, जब किसी भी पावर का पावर हो तो मल्टीप्लाई, ये बाहर वाला है और ये अंदर वाला, तो इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 = 4, ये आंसर हो गया। मैं 2 बार समझाऊंगा। एक कल्चर में बैक्टीरिया सबसे पहले, नाउ मतलब कि अभी तो एक्स है, तुमको बोला मुझसे बोलने के लिए, तुम काम क्यों नहीं कर रहे, बोल क्यों रही हो, एक्स एक वीक के बाद वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, मतलब कि हमने स्क्वायर कर दिया एक्स स्क्वायर। फिर कहा जा रहा है कि जब एक हफ्ते में स्क्वायर हो गया है, तो 2 हफ्ते में एक और स्क्वायर होगा ना, एक हफ्ते में वो बढ़ने की दर क्या है, स्क्वायर। 1 वीक में एक्स स्क्वायर, 2 वीक में एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, 3 वीक में एक्स के स्क्वायर का ये 4 हो जाएगा, इस तरह बढ़ते चला जाएगा ना। तो सेकेंड वीक में स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, एक्स का पावर। समझ में आया?
तो बेटे कुछ बादाम खाओ। एक हफ्ते के बाद आफ्टर वन वीक जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे स्क्वायर हो गया, तो एक्स का स्क्वायर हो गया। तो आफ्टर टू वीक क्या होगा, एक्स के स्क्वायर का फिर एक और स्क्वायर बढ़ेगा ना, तो एक और स्क्वायर बढ़ाएंगे। तो जब भी कोई चीज स्क्वायर में होती है, पावर होती है किसी चीज के ऊपर, तो फिर से उसके ऊपर पावर चढ़ाने के लिए ब्रैकेट के ऊपर पावर लगाते हैं, इसको होल टू द पावर कहते हैं। और ये होल टू द पावर टू हो गया, है ना। और जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई पावर हो और ब्रैकेट के अंदर भी कोई पावर हो, तो अंदर और बाहर वाले पावर मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, अगर यहाँ पर 2 का पावर 2 है तो 2 टू 4, 2 का पावर 5 होता तो x का पावर हम 2 5 से 10 कर देते। बात समझ में आई अब? अब क्लियर है ना? इसका x की पावर 4 हो जाएगी ना 2, क्योंकि हमें 2 वीक का पूछा गया। हाँ, तो हम क्या करें, हम तो समझाने के लिए बोल रहे हैं ना। हो गया, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स ब्रेथ। ओके, फाइंड द एरिया इफ इट्स ब्रेथ इज एक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तबीयत का ध्यान रखिए, बिल्कुल जैकेट जुकुट पहन के आइए। आपकी तबीयत से ही आपका पेपर है और हमारी दुकान। तो अभी थोड़ा कर ले पहले। गुड, ये सब चीजें तो आपकी खुशी के लिए होगी ना, हमारे लिए तो नंबर मायने करता है। देखिए, एक रेक्टेंगल है क्वेश्चन में। देखिए, जब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, आप भी घर पे बैठो तो इसी तरह करो। एक रेक्टेंगल क्वेश्चन जब स्टेटमेंट वाला होता है ना, देखते ही हम लोग क्या करते हैं, अपना बर्तन मैंने जो भी है, रजाई गद्दे हथियार सब फेंक देते हैं, कुछ भी डरने की बात नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर है। काहे मुंह बना के बैठे हो चिकी, इतना सुथरा मुंह अच्छे से बनाओ और काम करो। हमें नहीं पता, भगवान जी से पूछिएगा बाद में। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें पता है लेंथ और ब्रेथ भी दिया हुआ है। ब्रेथ कितना है, एक सेंटीमीटर। ब्रेथ बोल रहे हैं भैया एक सेंटीमीटर है, और लेंथ ये कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स ब्रेथ। तो 2/3 एक्स, ठीक है। सो कुछ है ही नहीं है, जस्ट चीज एरिया इज इक्वल टू लेंथ कितना है 2/3x और ब्रेथ कितना है x, यही है ना। तो 2/3x स्क्वायर, ये क्या हो गया 2/3x से x मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट चिल, खत्म खेल। हाँ। मजा आया नहीं? मजा आया? किसको नहीं आया? क्यों नहीं आया? हाँ, इसलिए मजा नहीं है ना। देखो, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ ब्रेथ x सेंटीमीटर है, और जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2/3 है, इसका 2/3 x का कर दिया। तो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, मल्टीप्लाई किया। अब ये कुछ कट तो नहीं सकता क्रॉस में, तो 2/3 था ये x। बेटे याद रखना, ये है कॉन्स्टेंट 2/3। मैं आपको यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं। 2/3 एक्स इंटू एक्स, इसका मतलब ये हुआ इस x से पहले कांस्टेंट 2/3 है और इस x के पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। उसके बाद ये x और ये x वेरिएबल में क्या है, दोनों तरफ x, तो x इंटू x एक्स स्क्वायर। So 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा और x स्क्वायर का x, इसलिए 2/3 का 2/3 है। समझ में? केवल कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो ये कांस्टेंट, इसके आगे तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है क्योंकि एरिया है ना ये, और अगर वॉल्यूम होता तो क्यूब लगा देते।
और पैरामीटर रहता तो कुछ नहीं लगा, सिखाया नहीं था। पैरामीटर मतलब केवल सेंटीमीटर, एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्यू सॉरी वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर। क्योंकि हम सोची छोटा बच्चा है यहाँ पे, मैं मुड़ती तो कौन बच्चा खड़ा है यहाँ, मैं तो डर ही गया। कौन सा दोनों तरफ वेरिएबल हो के वाले, कोई बात नहीं बेटे। y x into x suppose that, ठीक है, तो y से y और x का x square, x x multiply होगा, y किसी से नहीं होगा, same variable से multiply होते हैं, ठीक है? नहीं ये वाला समझाओ उसको, नहीं ये इसका answer ये है ना, ये तो समझा ही दिया मैंने, 2/3 जैसे का जैसे रख दिया हमने, 2/3 और x x multiply होता है, x square पास का तो हो गया, क्या करना है इसमें? तो इसका answer ये है ना 2/3 x का power 2 centimeter x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे कितने इंटेलिजेंट है आप, जरूर कुछ अच्छा खा के यार। टॉफी तो सबसे अच्छी चीज होती है। इफ देयर आर x रोज ऑफ चेयर, ईच रो कंटेन्स x स्क्वायर चेयर, ठीक है, बिल्कुल। देखिए देखो कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ रोज एक्स, ओके, एंड चेयर्स कंटेन इन अ रो एक्स स्क्वायर, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ चेयर सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ चेयर आपको बताना है, तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, बेटे केवल पढ़ाई छोड़ के कुछ ही मत करे, निकालो बेटा तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो कुछ, ठीक पढ़ बेटा। तो बेटा ये था x रो और इसमें चेयर्स हैं x स्क्वायर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना, जब 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मेरी बात सुनो, अगर दोनों x कॉमन, जैसे दोनों तरफ सेम वेरिएबल है ना, तो दोनों में से हमने एक x ले लिया, इसका पावर कुछ नहीं मतलब कि 1, और इसका पावर 2, तो 1 और 2 प्लस हो जाएगा, तो 2 1 और 2 3, तो x का पावर 3, दैट सिट। हाँ, अगर यहाँ y रहता और मल्टीप्लाई x स्क्वायर रहता तो y x स्क्वायर इज द आंसर, कोई दिक्कत? ओके, तुम लोग जरूर कुछ अच्छा सामान खा रहे हो, बताओ मुझे। सब सब बोलो भैया, चलिए देखिए, कीप क्वाइट, क्लास सिक्स से, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं सिमेट्री की निकाल लिया मैंने।